या तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। देखें, ऑसिलेशंस में हमें जो करना है, दैट इज सबसे पहले हम बात करेंगे, मतलब ये चैप्टर एक तरीके से हम पहले भी कर चुके हैं, मतलब इसका काफी सारा जो फिजिक्स है वो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, रोटेशनल और इट्स ऑल अबाउट इन सर्कुलर मोशन में हमने काफी सारा इसका बात किया है। एंड टुडे वी टॉक अबाउट सम मोशन व्हिच इज पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन। पहला जो पॉइंट है, दैट इज इट्स योर पीरियोडिक इट्स अ पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी एक मिनट रुक जाए, जरा इस पे कुछ सही से लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, एक मिनट वेट करें मैं जरा इसका। ऑसिलेटरी मोशन, कुछ प्रॉब्लम आ रही है मेरे साथ, मेरे पीसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है कुछ। आई डोंट नो क्या हुआ है, किसी वायरस का अटैक हुआ है या क्या हुआ है, थोड़ा सा ये स्लो हो गया है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एक मिनट रुकिए, अभी ये ठीक हो जाएगा। क्या आप मुझे 5 मिनट देंगे जमाल? हाँ यस सर। हेलो, हाँ क्योंकि ये जो पीसी है ये मेरा थोड़ा हैंग कर रहा है, इसमें कुछ वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, आई डोंट नो क्या हुआ, ये अभी थोड़ा सा हैंग कर रहा है। ठीक, तो मैं दूसरे पीसी पे जरा लॉग इन करता हूँ जूम पे, है ना, मुझे 5 मिनट से मैं अभी आता हूँ, है ना। ओके ओके सर, ओके जस्ट वेट। ओके सर, क्या देख लिया है? शाहरुख खान की है? हाँ शाहरुख खान की है। Thank you.
या हेलो हेलो हाँ अभी ठीक है नाउ नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन अगेन तो आज हम करने वाले हैं हेलो रुबे की दोस्त ऑसिलेशन टैक पन ब्रो हाँ ओके अम्मा इंटरनेट तारो अंदरो या ठीक है तो ऑसिलेशंस में देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज पीरियोडिक एंड योर पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन ठीक है तो इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं व्हाट इज ए पीरियोडिक मोशन तो पीरियोडिक मोशन के लिए हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपका कोई पार्टिकल है इट्स मूविंग इन ए सर्कल ये एक सर्कल में मूव कर रहा है ठीक है ओके सो आफ्टर 2π रोटेशन 2π का जब ये रोटेशन आपका ये कंप्लीट कर लेगा तो ये अपने वापस पाथ को रिपीट करने लगेगा ठीक है After 2π का जो रोटेशन अगर आप ले लें अगर मान लो पार्टिकल कोई एक डिस्टेंस यहाँ पे है तो इस केस में इसका कितना हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा ठीक है थीटा तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये अगर ये पूरा का पूरा 2π का रोटेशन ले लेता है देन आफ्टर 2π रोटेशन इट स्टार्ट रिपीटिंग इट्स पाथ ओके दिस काइंड ऑफ मोशन वी कॉल्ड पीरियोडिक मोशन ठीक है दिस मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन आपको ये पहले से इसका आइडिया होगा है ना ठीक है अच्छा वन मोर क्वेश्चन इज दिस ऑसिलेशन इज हार्मोनिक सॉरी ऑसिलेटरी हां यस आई डोंट थिंक इट्स ऑसिलेटरी हाउ इट्स नहीं 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 ऑसिलेटरी नहीं होगा हां एग्जैक्टली ऑसिलेटरी मतलब वो स्टॉप होके फिर वापस एग्जैक्टली So this is your pendulum के motion की तरह नहीं है ये हाँ तो अब हम बात करते हैं ये तो periodic motion हो गया अब हम जरा oscillatory motion के बारे में बात करेंगे मान लो मैं एक spring से एक block attach कर देता हूँ ठीक है और इस block को मैं क्या करते हैं ये थोड़ा सा stretch किया हमने इसको थोड़ा सा stretch किया stretch करने पे मान लो इसका position आ गया somewhere यहाँ पे ये stretch करने पे आ गया ठीक है ये मैं इसको थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूँ है ना ये स्ट्रेच करने पर आप इसको जब रिलीज करेंगे देन ये मीन पोजीशन से आपका इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग लेफ्ट एंड राइट ठीक है लेफ्ट एंड राइट यानी अपनी मीन पोजीशन माइनस के एक्स राइट पे इट स्टार्ट हुक्स लॉ सो अगेन दिस काइंड ऑफ मोशन इज ऑसिलेटरी ऑसिलेटरी बट एक बात बताएं इज इट ए पीरियोडिक मोशन पीरियोडिक मोशन देखिए वो होता है जो एक सर्टेन टाइम के बाद इट इज स्टार्ट रिपीटिंग इट्स पाथ तो देखिए ये जो मान लीजिए आपने यहां से रिलीज किया पॉइंट ए ले लीजिए और ये इसका मिड पॉइंट बी है और मान लो पॉइंट सी तक कहीं पे आता है ठीक है और आफ्टर सी पॉइंट वापस बी पे आएगा और बी से वापस ए पे आएगा ठीक है तो मान लो ए पे आपने टाइम ले लिया टी इज इक्वल टू जीरो B पे टाइम आ गया आपका मान लो t = t/4 और C पे आ गया आपका t/2 ठीक है तो और वापस से ये जब अपना पाथ चेंज करेगा तो कंप्लीट t = t टाइम पे यहां पे जब वापस A पे आएगा इसके बाद ये क्या करेगा ये वापस अपना पाथ को रिपीट करने लगेगा है ना तो इसका मतलब है इट्स अ पीरियोडिक मोशन क्योंकि आफ्टर ए टाइम इंटरवल इट इज रिपीटिंग इट्स इट्स पाथ है ना So it's your it's oscillatory and also periodic. बात clear हो गई ना? हाँ. Periodic कौन सा था और फिर oscillatory और periodic. एक और example पे हम बात करेंगे फिर हम इस पे थोड़ा सा mathematics करेंगे इसका. तो मान लो अब मैं एक example लेता हूँ एक मैं एक आपका pendulum simple pendulum का example लेते हैं एक आपका main axis हो गई और यहाँ पे एक आपका एक पार्टिकल एक स्ट्रिंग से अटैच है एक रूप से
ठीक है, तो इस केस में ये जो पाथ कवर करेगा ये कुछ इस तरीके से पाथ कवर करेगा और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। ओके, तो इन दिस केस अब देखिए ये आपका ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे जाएगा इस पॉइंट पे, यहाँ से वापस इस पॉइंट पे जाएगा और वापस ये आएगा यहाँ पे। आफ्टर ए टाइम टी इट्स पाथ, ठीक है। तो दिस इसे अगेन ऑसिलेटरी मोशन क्योंकि अपनी मीन एक्सिस पे ये लेफ्ट एंड राइट में ऑसिलेट कर रहा है, तो इट्स ऑसिलेटरी। और इसी तरह ये भी दे सकते हैं, इसका एक टाइम पीरियड भी है जिस टाइम पीरियड से ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। सो इट्स आल्सो ए पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक। यहां से हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मिला, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, ठीक है। एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी, हाँ मे नॉट ऑसिलेटरी, हो भी सकता है नहीं भी। पीरियोडिक मोशन मे नॉट ऑसिलेटरी, दिस इज योर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमने पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशंस का ही कंक्लूजन एक तरीके के, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो अगर आपको पता है कि एक गिवन टाइम पी जो है आपका दैट वी कॉल टाइम पीरियड, तो आफ्टर ए गिवन टाइम मिनिमम टाइम जिसके बाद वो अपने पाथ को वापस से रिपीट करने लगता है, दैट टाइम वी कॉल टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ये तो हम डेफिनेशन आप पहले भी पढ़ चुके हो, दैट इज टी, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, तो ये जो टी है दैट इज द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इसका डेफिनेशन लिखो चाहो तो इट्स द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच The motion is repeated is called its period. ठीक है, which is T. Okay. And what is the frequency? Frequency is the inverse of this time period. Yani the frequency mu interval is smallest interval of the time after which time. The motion is repeated is called its period. And frequency we define is the inverse of time period. इट्स अ नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, या हम फ्रीक्वेंसी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। हां एग्जैक्टली, वही यही तो डेफिनेशन है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। तो वो आपके दैट्स डिफाइन बाय 1/T, सो द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज एंड आल्सो सेकंड इनवर्स। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट सम फ्रीक्वेंसी, सेकेंड इनवर्स, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑसिलेटरी मोशन एंड पीरियोडिक मोशन, उसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं हाउ वी कैन रिप्रेजेंट ए ऑसिलेटरी मोशन, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट ए ऑसिलेटरी मोशन, यानी जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑसिलेटरी मोशन में। तो जहां तक हमने अभी बात की तो डिस्प्लेसमेंट हमने दो टाइप के देखे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक तो आपने देखा लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन द केस ऑफ ये स्प्रिंग के केस में, एक डिस्प्लेसमेंट हुआ लीनियर हो गया, और एक डिस्प्लेसमेंट हमने देखा कि आपने रूफ से अटैच कर दिया एक
एक पेंडुलम को, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ? एंगुलर, ठीक है. द पॉइंट इज इन द पीरियोडिक मोशन, इन द पीरियोडिक मोशन वी रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ साइन एंड कोसाइन. ठीक है, अब ये कैसे करेंगे ये हम जरा देखते हैं, है ना. ये कैसे करेंगे ये जरा हम देखते हैं. ठीक है, तो मान लो अगर मैं एक इसको ही लेते हैं, स्ट्रिंग को ही सिस्टम, इसी को मैं बार बार ले रहा हूँ क्योंकि यही मेन आपका, ये दोनों ही सिस्टम इस चैप्टर के लिए बेसिक हैं, यही आपके इसमें आएंगे. मतलब या तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच करके यहाँ तक लेके आते हैं. मान लो ये मैंने पॉइंट दे दिया यहाँ तक लाए, और फिर हम इसको छोड़ देंगे तो ये यहाँ तक जाएगा. ठीक है, हाँ. ये जो डिस्टेंस हो गई दैट्स योर स्मॉल डेल्टा एक्स. ओके, तो ये पॉइंट ठीक है. तो जरा हम इसको देखते हैं कि इसका, जरा हम इसके मोशंस को देखें कि इसका मोशन एक्चुअल में आएगा कैसा, यानी ये डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं. तो यहाँ पे एक मैं प्लॉट बना रहा हूँ, ये मैं प्लॉट बना देता हूँ. यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दिस इज अवर एक्स एक्सिस. ओके, तो मान लो ये इस ब्लॉक को स्ट्रेच करके पहले आप पॉइंट पे लेके आए ए पे, ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे. ठीक है, तो आप स्ट्रेच करके इसको लेके आए पॉइंट ए तक. ठीक है, हाँ. तो ए पॉइंट पे आपका जो मैक्सिमम वैल्यू हो गया ना, ये जो डिस्टेंस ने कवर की दैट इज मैक्सिमम. इज इट क्लियर? पॉइंट यहाँ पे इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बना था. ठीक है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मान लो मैं इस पॉइंट को स्मॉल ए और इसको माइनस स्मॉल ए कर लेता हूँ. ठीक है, तो ये इस पॉइंट से, अब आपने इसको रिलीज किया तो ये क्या होगा, लेफ्ट साइड में जाएगा. ठीक है, तो इस केस में आपका क्या होगा, योर जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. ये एम्पलीट्यूड इसका, ये जो डिस्टेंस आपकी होगी दैट इज डिक्रीजिंग. ये डिक्रीज होते 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 कहां तक आएगा, डिक्रीज करेगा मीन पोजीशन. मीन पोजीशन इसी कहां पे, यहां पे ये वापस से क्या हो जाएगा, जीरो. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अब ये वापस से नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन है ना, लेफ्ट साइड में. तो ये वापस से गया आपका मैक्सिमम कहां तक जाएगा, ये माइनस ए तक, यानी बी तक जाएगा ना, इस पॉइंट तक वापस आएगा, है ना. ये डायग्राम समझ पा रहे हैं आप? हाँ, यस. हेलो, हाँ हेलो. हाँ, तो बी तक गया, ये माइनस है गया, फिर हाँ, फिर ये वापस इसका बी से ये राइट की तरफ शिफ्ट होने लगेगा, और राइट की तरफ आते आते ये वापस मीन पोजीशन पे आएगा, देन अगेन जीरो. और उसके बाद वापस ये, अब ये मैं मीन पोजीशन को ओ ले लेता हूँ, फिर ये वापस से ओ से ए की ओर जाएगा, देन इट अगेन गेट्स इट्स वैल्यू ए मैक्सिमम. इज इट क्लियर? हाँ. ये प्लॉट आपको समझ आया इसके मोशन का? हाँ हाँ, ये मोशन का समझ में आ गया. तो सिंपल है, व्हाट इज दिस क्लब, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट? ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है उसका किस फंक्शन का है ये, मतलब ये है कॉस फंक्शन का. कॉस का है, कॉस जीरो पे कॉस वन होता है. हाँ, जीरो पे कॉस वन होता है, एंड पाई बाय टू पे जीरो, ये मिड पॉइंट, इट्स अगेन पाई, and it's again 3 pi by 2 and again minus 2 pi. तो अब देख लो कि ये 0 to 2 pi का इसका आपका time period हो गया, 2 pi के बाद वापस से अपने path को repeat करने लगे, and back to back आपको एक cos wave मिल जाएगी. You get a complete cos wave after 2 pi. ये आपको ऐसे ऐसे cos wave मिलेगी. So you can represent your displacement y is equals to a cos omega. ये कुछ इसका, यू कैन रिप्रेजेंट एनी एनी ऑसिलेटरी मोशन इन द फंक्शन ऑफ कॉस फंक्शन व्हिच इज ए कॉस ओमेगा. ठीक है, सो ये हमने इसको जरा रिप्रेजेंट कर लिया. नाउ हियर जो टी है आपका, जो टाइम पीरियड है दैट इज 2 पाई बाय ओमेगा, वेयर ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, एंड नाउ हम जरा इसमें एक थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे. यू कैन रिप्रेजेंट एनी पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन इन द सुप्रीम पोजिशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन.
यानी वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट दिस फंक्शन वाई को मैं एफ ऑफ टी लिख ले रहा हूँ, फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ठीक है? साइन कॉस दोनों के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, अगर मान लो आप इसका मोशन अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं कोई वेव यहां से, सो इट कैन बी साइन वेव, ओके? सो इन दोनों के सुप्रीम पोजीशन से हम जरा कुछ रिजल्टेंट देखना चाहते हैं। मान लीजिए आपका एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल्स टू इट्स डी कॉस फाई, कोई इनिशियल आपका ये फेज है जिसमें आपने एम्पलीट्यूड, ये इट्स अ कॉन्स्टेंट वैल्यू फाई, तो ये आपका कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू ले लिया हमने, तो हमने फंक्शन के फॉर्म में डिफाइन कर दिया इसको ए इज इक्वल्स टू डी कॉस फाई and b is equals to your d sin phi. So we can represent our function f of t is equals to d cos phi sin omega t plus d sin phi into cos omega t, ठीक है? So we can d मतलब जो a है वो तो वो होगा amplitude होगा this इसका amplitude है और b इसका, तो as you know amplitude is constant, तो हमने इसको as a function of phi लिख दिया है एक आपका initial phase के form में, है ना? तो it's also a constant, मालो अगर आप phi इनका जो wave है दोनों के बीच का जो initial phase है that is मालो pi by 2, तो pi by 2 पे आपका कौन बचेगा, सिर्फ b बचेगा, यानी वे आपकी pi by 2 पे ये f of t क्या हो जाएगा pi by 2 पे it will give you only b, है ना? ये b cos omega t ये देगा, यानी तो देखिए आपका एक वेव हो गया, इस टाइम पे आपको ये प्लॉट मिलेगा, है ना? इस तरह आप जैसे जैसे आप अपना ये फाई चेंज करते जाएंगे आपको वेव मिलती जाएगी, सो वी कैन राइट दिस एम्पलीट्यूड, क्योंकि एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है ना, आप देखो एम्पलीट्यूड घटता जा रहा है, हाँ. बढ़ रहा है फिर घट रहा है, सो वी कैन रिप्रेजेंट दिस एम्पलीट्यूड योर, है ना? सो ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ, यस। तो आगे बढ़ते हैं इसमें हम, या सो ये जो आपको फंक्शन देगा दैट इज डी कॉस फाई, डी को हम कॉमन निकाल लेते हैं, ये वाला हमारा फंक्शन क्या हो गया कॉस फाई साइन ओमेगा टी साइन फाई कॉस ओमेगा टी, इसको मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं कॉस ए साइन बी साइन ए साइन ए प्लस बी साइन ए साइन साइन ए प्लस बी वाला आ जाएगा, तो साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, हाँ इसको साइन ओमेगा टी प्लस फाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, सो वेयर एफ ऑफ टी यू कैन रिप्रेजेंट एनी फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाई वेयर फाई इज योर इनिशियल फेज, और अगर देखें इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो देखें क्या मिलता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई and d square equal to d square sin square phi, यहाँ से आपको मिल गया a square plus b square is equals to d square, यहाँ से d मिल गया आपको under root a square plus b square, दोनों का magnitude का आपका sum हो गया, ठीक है? तो complete जो इन दोनों का supreme positions की वजह से जो amplitude था that increases, ए आपका एक वेव का एम्पलीट्यूड था बी आपका दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड था, इन दोनों का आपका सुप्रीम पोजीशंस आपका जो हो गया दैट एम्पलीट्यूड इससे बढ़ गया एंड जो फेज है दैट इज टैन इनवर्स, ये इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड कर दें ये क्या लिखा है एफ ब्रैकेट टी इज इक्वल टू डी कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी डी साइन फाई कॉस ओमेगा टी, फिर डी कॉमन लेके मैंने उसको साइन ए प्लस बी का फॉर्म लगा दिया, ठीक है? ओके, तो देखें फिर यहाँ से फाई इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स, हम जरा आगे देखते हैं, हाँ तो मैं बता रहा था आगे बढ़े कि अभी आप कुछ लिख रहे हैं? हाँ एक सेकंड लिख लो, हाँ आप जरा लिख ले फिर हम आगे बढ़ते हैं वरना फिर छूट जाएगा। तो ए ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने स्क्वायर कर दिया इन दोनों इक्वेशंस का, ये तो हमारा फंक्शन बन गया, हाँ ये तो हमारा फंक्शन बन गया, इसको यहाँ तक हमने कर लिया। तो इसके बाद हम जरा डी का फॉर्म निकालना चाहते हैं, हमने ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी कॉस स्क्वायर फाई
और बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाइव. यहाँ से हमने डी का वैल्यू निकाल दिया, दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला. ठीक है, डी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यहाँ से हमने फाइव भी देख लिया, फाइव कितना आ गया, फाइव आ गया. हम देखें यहाँ तक लिख लिया, फिर आगे बढ़े. देखिए ए और बी की इक्वेशंस को हम जरा डिवाइड कर देते हैं. यहाँ से देखिए आपको मिलेगा डी साइन फाई डिवाइड बाई डी कॉस फाई. तो मतलब डी क्या मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ, डी इज देखो अब आपका एक था आपका कॉस वेव है, वो आपकी ये जा रही है, दूसरी है आपकी साइन वेव, ये कुछ इस तरीके से जा रही है. तो इन दोनों का एम्पलीट्यूड आपका जो है, डी आपको बता रहा है इन दोनों के एम्पलीट्यूड का, जो सुपरिम पोजिशंस की वजह से इनका जो एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा. तो मान लो इसका एम्पलीट्यूड 1 था, साइन का कॉस का 1 था, तो इसका एम्पलीट्यूड रूट 2 हो गया. ठीक है, क्लियर? हाँ, यस. तो ये बात हो गई. अब जो नई वेव बनेगी इन दोनों के सुप्रीम पोजिशन से, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा दैट इज रूट 2. ठीक है, नहीं हो रहा. हेलो, हाँ हाँ, हेलो. तो आगे बढ़े. हाँ, यस. देखें आपका ये डी से डी कट गया, और यहाँ से टेन फाइव इज इक्वल टू बी अपॉन ए, फ्रॉम हेयर फाइव इज योर टेन इनवर्स बी अपॉन ए. तो ये आपका फेज आ गया, फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए. ठीक है, दैट्स इट. ना अब हम बात करेंगे इसके बाद. तो इसका ये मतलब कंक्लूजन ही हो गया, कंक्लूजन ही हो गया इस डेरिवेशन का. ये आपका डेरिवेशन पूछा नहीं जाएगा, इस पे क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल. तो ये आपका जो डेरिवेशन ये बताता है कि एनी पीरियोडिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सुप्रीम पोजीशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस, है ना. ये मैं लिख देता हूँ, यही एक्चुअली इसका है. इट्स एनी पीरियोडिक फंक्शन periodic function can be expressed can be expressed as a superimpositions of superimpositions of sine and cosine functions, sine and cosine functions of different time periods, different time period with different time period is more than sufficient. So ये आपको पता है कि किसी periodic function को आप sine और cos के supreme positions के form में लिख सकते हैं. That is sine omega t plus phi. That's the form of your displacement. ठीक है. तो वापस आते हैं simple harmonic motions के बारे में. Next part है हमारा simple harmonic motion. ऑसिलेटरी देख लिया, पीरियोडिक देख लिया, जरा सिंपल हार्मोनिक मोशन को देखते हैं. सिंपल हार्मोनिक मोशन, या देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपका एक टाइप का ऑसिलेटरी मोशन होता है. एक पार्टिकल आपका लेफ्ट और राइट पोजीशन में ऑसिलेट करता है. बट द पॉइंट इज दिस कि यू कैन इफ यू कैन राइट every simple harmonic motion in the form of sine and cosine. So that motion is defined as simple harmonic motion. This point mein bole, you know, this is a periodic motion, okay, in which displacement is a sinusoidal function of time. Okay, simple harmonic motion, okay, in which शॉर्ट में लिख देता हूं, इन विच
displacement is a sinusoidal. Is it clear? मैंने भी करके दिखाया है कैसे ये sinusoidal function यानी sinus के form में आप कर सकते हैं. So the general displacement of a simple harmonic motion is a cos omega t plus phi. Phi. phi initial phase हो जाएगा. दोबारा से diagram कर बताने की जरूरत नहीं है कि अगर आपका हाँ phi initial phase. ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है डायग्राम से. मैंने अभी ऑसिलेटरी मोशन से करके दिखाया था कि आप ए पॉइंट से छोड़ते हो फिर ये लेफ्ट में इतना जाएगा फिर ये वापस आएगा. सो वी कैन रिप्रेजेंट एक्स टी एज ए. ये मैंने अभी करके दिखाया आपको एक कॉस वेव बनाई थी ना. हाँ हेलो. हाँ हेलो. हाँ तो कॉस वेव हमने बनाई थी तो वो तो वेयर एक्स टी इज योर डिस्प्लेसमेंट हियर ए इज योर ए क्या है ए ए है एम्पलीट्यूड ठीक है एम्पलीट्यूड ठीक है एंड ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब एंगुलर वेलोसिटी ना एंड योर फाई इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी. यहां पे ऑसिलेशंस हो रहे हैं ना सो इट्स वी कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना. ओके एंड फाई इज योर इनिशियल फेज और इस टोटल को भी हम फेज बोलते हैं ओमेगा डी प्लस फाइव को भी हम फेज बोलते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट. ये इसको डिस्प्लेसमेंट हो गया. अब इस डिस्प्लेसमेंट की बेसिस पे देखो वी कैन फाइंड वेलोसिटी. डीएक्स बाई डी टी द वेलोसिटी. डीएक्स बाई डी टी वेलोसिटी डीएक्स अपॉन डी टी. तो ये हो गया आपका d अपॉन डी टी ऑफ a cos ओमेगा t प्लस फाइव ठीक है. तो ये कितना हो गया ये हो गया माइनस a cos ओमेगा t प्लस फाइव एंड d अपॉन डी टी ऑफ ओमेगा t. यही डिफरेंशिएशन हुआ. हाँ ठीक है. तो ये आपको देगा माइनस का ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव. दिस इज योर वेलोसिटी. वापस एक बॉक्स में कर देता हूँ जितने हमारे इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं. दिस इज योर वेलोसिटी और ये हमारा हो गया वेलोसिटी के मतलब हम क्या निकाल सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज अवर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं इजिली. हाँ ये dt ये d by dt bracket omega t को मतलब हमने कैसे सॉल्व किया. अच्छा d upon dt of omega t आपको पहले बता था ना कि डिफरेंशिएशन में हम रिपीट करते हैं फंक्शन का चेन रूल लगाते हैं ना. एक मिनट रुको मैं फिर से रिपीट. हाँ हाँ चेन रूल वो नहीं. हाँ क्या बता रहे. हाँ वो पूछ रहा था कि मतलब dt देखो ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ. अच्छा ओके ओके देयर इज अ मिस्टेक. मैं समझ गया आपके बोलो. इट्स अ साइन कॉस का साइन हो गया. ये पूछ रहे थे आप. हाँ इट्स अ कॉस का डिफरेंशिएशन साइन. हाँ थैंक्स फॉर नोटिसिंग दिस. इट्स अ साइन नाउ इट्स करेक्ट ठीक है. और रिपीट हो गया फंक्शन का ओमेगा टी का. तो ये हो गया माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस ठीक है. अब हम एक्सेलेरेशन जरा देखते हैं. एक्सेलेरेशन इज योर डीवी अपॉन डीटी. तो ये हो गया आपका माइनस का डी अपॉन डीटी ऑफ अगेन ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. वापस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव एंड अगेन डी अपॉन डी टी ऑफ ओमेगा टी ठीक है.
तो वापस से हमारा एक्सेलेरेशन कितना आ गया, एक्सेलेरेशन इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो ध्यान देखिए हमारा ये वाला पूरा टाइम टर्म्स कितना है, कितना है ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, कितना है, दिस इज नथिंग बट ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ टी, ठीक है। हाँ इसको यहां से ज्यादा क्लियर वे में लिख दे, हमारा जो एक्सेलेरेशन आ गया दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। और ये जो वैल्यू हो गई दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये होल क्वांटिटी कितना हो गया एक्स ऑफ टी, ठीक है। तो देखिए बड़ा ही खास यहाँ पे रिजल्ट आया है हमारा, द एक्स टी टी फंक्शन ऑफ टी ना, स्टार्टिंग में जो डिस्प्लेसमेंट था, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया है हमारा। देखिए हियर एक्सेलेरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा कब होता है, कब आपका एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल, हेलो अच्छा इसको थोड़ा और इजी बनाते हैं, हाँ आवाज आ रही है, हाँ हाँ इसको थोड़ा और इजी बनाते हैं। मान लो मैं m जो ब्लॉक का मास है उससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अब आपको थोड़ा आसानी रहेगा। तो ma दिस इज फोर्स, देखिए फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर x ऑफ t, ये कब होता है, फोर्स कब डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है एक्स, ये कब होता है, कौन सा लॉ है से रिलेटेड, कोई आपको बताया था मैंने, आपको याद है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, कहाँ था याद तो है लेकिन अभी हुक्स हुक्स लॉ, हुक्स पे ये बताया ना मैं, हाँ हाँ एफ इज इक्वल टू आपको यहाँ से क्या मिलता है, वी टेक माइनस के एस है ना, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स आपको बताता है वो ब्लॉक वापस आएगा, हुक्स लॉ ही तो है यहाँ पे, है ना। तो हुक्स लॉ से अगर हम इसको कंपेयर करें, देखें ये एफ इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो इससे कंपेयर करें तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, देखें के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर है ना, हाँ इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, मैं इसको जरा अंडर कर देता हूँ, इसको और इसको कंपेयर कर दें तो हमको मिलेगा k is equals to m omega square, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू हमको क्या मिल रही है अंडर रूट k by m, इसको कई जगह से आप कनेक्ट कर सकते हो, हुक्स लॉ भी कर सकते हो, और देखो आपको ये भी पता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस आपका कनेक्ट हो जाता है एक कांस्टेंट से व्हिच इज k into strain, और हियर k इज योर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो आप वहां से देख सकते हो स्ट्रेस इज फोर्स, स्ट्रेन इज योर डिस्प्लेसमेंट x चेंज इन लेंथ है ना। तो यहां से देखो हमें क्या क्या मिल गया, देखो हमें कितने इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिले हैं, मैं रिजल्ट डिस्कस कर लूं, एक तो हमको रिजल्ट मिला जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे एक एक करके, जितना हमने अब तक कैलकुलेशन किया उसके रिगार्डिंग जो हमें रिजल्ट मिले हैं, देखिए एक तो हमें यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे डिस्कस किया नंबर वन, हमें डिस्प्लेसमेंट मिला वो कितना मिला a t equals to a cos a cos omega t plus phi, रिजल्ट नंबर टू हमें मिला उसकी मिली b of t is equals to minus a omega sin omega t plus phi, ठीक है हाँ। उसके बाद हमें थर्ड पॉइंट हम देखते हैं जरा, थर्ड पॉइंट जो हमको मिला है दैट इज योर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमारा क्या हो गया a ऑफ b इज इक्वल्स टू ये भी माइनस का इट्स a ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा t प्लस फाइव, जो कि हो गया था आपका माइनस का ओमेगा स्क्वायर x ऑफ, ये तीन रिजल्ट हो गए, एंड द फोर्थ रिजल्ट इज योर, इस फोर्थ रिजल्ट इज योर ओमेगा की वैल्यू जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी वी रोट दिस अंडर रूट
K by N. K मतलब वो स्प्रिंग कांस्टेंट. हाँ इन द केस ऑफ आपका अगर आपका ये मोशन है अगर ब्लॉक और स्प्रिंग का मोशन है देन इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट है ना. ठीक ये हो गया हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी. अब ये स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए तो अंडर रूट के बाय एम आएगा बट इट डिपेंड अगर आपका मोशन पेंडुलम के लिए डिफरेंट हो जाएगा. यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया दैट्स ऑलमोस्ट स्प्रिंग कांस्टेंट बट ये वाले रिजल्ट के सेम रहेंगे इसके लिए भी क्या बोलते हैं ये तीन रिजल्ट आप सेम रहेंगे फॉर योर एनी सिस्टम कोई भी सिस्टम आप ले जैसे कि आप जब पेंडुलम लेंगे उसके लिए भी ये ठीक बैठेगा बट ये बदल जाएगा पेंडुलम के लिए. ये दिस इज ट्रू ओनली फॉर स्प्रिंग सिस्टम स्प्रिंग सिस्टम. तो आज का क्लास का टाइम तो ओवर हो गया इट्स 6:58 तो मैं डिस्कस करना चाहूंगा आप क्लास किस टाइम रखेंगे क्योंकि हमारा ये चैप्टर आधा बचा है. अभी हमने ठीक है तो कल सुबह और उसके बाद गैम्ड करना है 9 to 10 मतलब ऐसे सुबह 9 AM कर लेते हैं. हाँ 9 AM to 10 AM. हाँ मैं एक्चुअली थोड़ा लंबा क्लास करना चाहूंगा मतलब 9 to 10:30 तक भी कवर कर सकता हूँ मैं. ठीक है तो ताकि मैं कल ये काफी सारा इसमें ये भी कर दूं मतलब ये चैप्टर फिनिश कर दूं थोड़ा वेव्स भी डिस्कस कर लूं. ठीक है ठीक है हाँ ताकि आपका विद इन टाइम ये कवर हो जाए. तो इसमें मतलब अभी है सारा भी डैम्ड भी है और इसके रिलेटेड और भी कुछ टॉपिक्स है रहे. तो अच्छा आज जो कराया उससे रिलेटेड कोई क्वेरी ठीक मतलब है ना थोड़ा फास्ट कराया मैंने आज. नहीं नहीं आज कोई क्वेरी नहीं थी. तो आप थोड़ा वर्कआउट कर लीजिएगा फिर हम कल मिलते हैं. ओके ओके कल मॉर्निंग में 9 बजे से ना 9 AM. ओके ठीक है हाँ तुम्हारो जी हाँ यार मतलब 8 हेलो हाँ हेलो मतलब हम हाँ हाँ मतलब और जल्दी करना तो मतलब हम लोग 8 हाँ मतलब 8 भी ठीक है 8 AM पे कर लो है ना कोई बात नहीं 8 AM पे कर लेंगे. ठीक है टुमारो 8 AM कर लेते हैं. ओके ओके गुड नाइट सर. ओके आई विल टेल टू द मैनेजमेंट टीम. ओके गुड नाइट. ओके गुड नाइट सर. थैंक यू सर. ओके okay.